एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली बायो के बारे में कि कैसे बायोलॉजी के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करना है यहाँ पे हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स तुम मे बी बायोलॉजी पढ़ दे टाइम कर सकते हो अब सबसे पहली मिस्टेक जो सामने आती है कि यू फुगेट डाइग्राम यू फगेट डायग्राम्स कम्प्लीटली फर्गेट डायग्राम्स मतलब डायग्राम्स पर फोकस होता ही नहीं है तुम्हें लगता है बुक में पिक्चर्स दी गई हैं बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बट एन सी आर टी वाले इतने अच्छे नहीं है वो पिक्चर दे रहे हैं विच मीन्स कि इसका एग्जाम में आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है एंड हर पिक्चर को हर डायग्राम को हमें ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है अब वो जो ट्रेसिंग शीट्स आती है ग्लॉसी वाली में भी उनको ले लो उनसे प्रैक्टिस करो बट डायग्राम की लेबलिंग एंड डायग्राम का ड्रॉ करना इक्वली इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स अंडर एस्टिमेट मत करो अगर तुम्हें सीधा सीधा फोर सीधा सीधा फाइव मार्क्स चाहिए देन डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं एक और पॉइंट की विच इज रीडिंग टेक्स्ट बुक तुम लोग क्या करते हो तुम लोग मग अप कर लोगे चीजें कॉपी कॉपी से पढ़ लोगे टेक्स्ट बुक नहीं उठाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि बायो के लंबे आंसर्स होंगे मैं रट लेता हूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा तुम रट जरूर लोगे बट वहीं पे तुम लोग क्या कर दोगे एम के लिए पूरे पूरे मार्क्स छोड़ दोगे मतलब एम जो आने होंगे वो कॉपी से तो आएंगे नहीं बुक्स से आएंगे वो तुम वहाँ पे बहुत ज्यादा एक लूप होल छोड़ दोगे जिससे तुम्हारे मार्क्स जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि तुम्हें लगता है बायोलॉजी इज इक्वल्स टू रटना मेरी हिंदी अच्छी नहीं है मे भी स्पेलिंग गलत हो बट बायोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि तुम चीज़ें रट के जाओ आ जाएगा तुम लोग नोट्स बनाओगे अच्छे से समझोगे चीज़ों को कंसेप्ट बिल्ड करोगे तभी जाके तुम इतने अच्छे लेवल पेपर का अटैम्प्ट कर पाओगे बिकॉज यू नो इट बाय नाउ तुमने सारी वीडियोज़ देखी है मेरी यू नो इट बाय नाउ कि आप एग्ज़ाम पर डायरेक्ट नहीं आने वाला बहुत ज्यादा वेरिएशंस होने वाले हैं बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं सो तो यार ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे अगर तुम्हारे कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियोस आती रहेंगी तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग